हेलो फ्रेंड, मैं दिव्या और दिव्या की दुनिया में आपका स्वागत है। वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, आप सबकी दुआओं से हम लोग भी ठीक हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैं ना कपड़े धो रही हूँ, तो मतलब मुझे काफ़ी जल्दी है तो मैं जल्दी जल्दी कपड़े धो रही हूँ। एक बैच तो मैं पहले ही धो चुकी हूँ, जैसे कि आप लोग को देख रहे होंगे वहाँ पर सूख रहे हैं, तो एक बैच तो मैंने पहले ही धो दिया था। और ये देखिए अनवी भी पास में ही है, ये भी चिल्ला रही है। और यहाँ पे ना मैं ये चटाई धो देती हूँ, चटाई मतलब मैं हफ्ते में एक बार धो देती हूँ, क्योंकि अनवी ना बाथरूम वगैरह कर देती है और उस मतलब उस पर ज़्यादा खेलती है, तो इसलिए मैं धो देती हूँ यहाँ पे। तो मतलब कब जिस दिन छुट्टी रहती है या फिर टाइम रहता है तो मैं धो देती हूँ एक्स्ट्रा कपड़ा। दो तीन बैच में धुलते हैं मेरे, क्योंकि सुखाने के लिए भी जगह नहीं है और धोने के लिए भी उतनी जगह नहीं है। और यहाँ पर ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मतलब मैं बाथरूम में नहीं धो रही हूँ, मैं यहाँ पे ही धो रही हूँ। हमारे यहाँ की बाथरूम बहुत छोटी है तो ऐसे ही धो रही हूँ मैं। और पास में अनवी भी खेल ही रही है यहाँ पे, तो उसकी आवाज़ें आ रही हैं। और यहाँ पे मेरी चटाई धुल गई है और बाकी कपड़े भी जो थोड़े बहुत रहे हैं वो मैं धो लूँगी। जैसे मतलब सब लोगों ने नहा लिया है घर में, अनवी को भी नहला दिया था और अनज भी नहा रहा है बाथरूम में, और उसके पापा ने भी नहा लिया है, तो मैं सबके कपड़े धुल दूँगी और फिर मैं भी नहा लूँगी। तो यही था। और यहाँ पे ना ये मैं सीट धो रही हूँ, जैसे कि मतलब जो नीचे बिछी रहती है ना ये बाहर वाले रूम में, तो यहाँ पे मतलब अनवी इनको उठा उठा के खेल लेती है, कभी देती नहीं है ध्यान तो मुँह में भी दे लेती है, इसलिए मैं धो देती हूँ इनको भी। और मतलब मेरे आधे से कपड़े तो धुल गए हैं और बाकी भी धुल लेती हूँ और फिर सुखाने डाल दूँगी। और यहाँ पे देखिए अनवी की ही इनर धो रही हूँ मैं। और ये एक मतलब एक डोरमेट था यहाँ पे, तो वो भी धो देती हूँ मैं। तो मेरे कपड़े मतलब धुल गए थे और यहाँ पे जो कपड़े मेरे सूख गए थे, सुबह धोए थे, सुबह 6 बजे नल आ जाते हैं हमारे यहाँ, तो सुबह ही धुल देती हूँ मैं टाइम रहता है, तो वो सूख गए थे और तो मैं उनको कपड़े को उतार के यहाँ पे दूसरा वाला बैच डाल दिया है मैंने कपड़ों का। तो यही था। और मैंने वाइपर लगा लिया है अच्छे से। और अब ना मेरे कपड़े वपड़े धुल गए थे, तो थोड़े से चाय के बर्तन थे ना, तो वो धुल देती हूँ। जैसे रात में पानी वानी पीते हैं तो गिलास निकलते हैं 2-4, तो वो थे। और मतलब चाय के बर्तन थे, तो मतलब हम सिर्फ चाय ही बनी है अभी, चाय पी है हम लोगों ने, तो वो भी धुल लेती हूँ। अभी नहाया नहीं है, नाश्ता वास्ता भी नहीं बनाया हमारा, तो सिर्फ यही बर्तन थे, तो मैंने कहा ये भी धुल ही देती हूँ, फिर बाद में नहाऊँगी, क्योंकि पूरा काम हो जाता है ना तब। और यहाँ पे ना मतलब मैं इसको भी मांझ देती हूँ, इसमें मतलब झूठे बर्तन रखे हुए थे ना, उसको भी धुल दूँगी। तो बस यही था, मतलब फटाफट बर्तन धो लेती हूँ मैं, और फिर मुझे नहाने भी जाना है। और हमारे यहाँ पे मतलब ऐसे नल नहीं है, मतलब बाहर ही धुलते हैं बर्तन हम लोग। तो यही था। यहाँ पे मेरे मतलब ऑलमोस्ट बर्तन धुल गए हैं। और मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो गले में खराश हो रही है, जुकाम वगैरह भी आ रहा है, इसलिए आवाज़ को इग्नोर कीजिए। तो मतलब मेरे बर्तन धुल गए थे और यहाँ पे जो बकेट वगैरह थी इनको भी मैंने अच्छे से मांझ लिया है, धुल लिया है मतलब नहाने के लिए। तो मैं मतलब इनमें मैं पानी डाल लूँगी और बस मिलते हैं नहा के। यहाँ के आ गई हूँ मैं, बस रेडी हो जाते हैं, क्योंकि मुझे ना आज हॉस्पिटल जाना है, फटाफट रेडी हो जाती हूँ, फिर मिलते हैं। और यहाँ पे ना मैं तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे ना हॉस्पिटल जाना था। ये भी बोल रहे थे बार बार कि जल्दी तैयार हो जाओ, जल्दी तैयार हो जाओ। पहले ना वैसे बाल मतलब गीले रहे थे बाल, वैसे देख रही थी कि ऐसे ही ओपन कर लूँगी, लेकिन मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। मुझे ना मतलब ओपन बाल रहते थोड़ी घबराहट टाइप की होती है, तो मैं इनका बांध ही लेती हूँ, जैसे भी बनते हैं वैसे बांध लेती हूँ मैं। और यहाँ पे मतलब ऐसे बांध लिए मैंने, इकट्ठे कर लिए और बोरावर बैंड लगा लिया है। और मतलब मैं चूड़ी पहन लेती हूँ, क्योंकि मेरे कपड़े धोते टाइम ना एक कंगन फूट गया था। तो यहाँ पे ना मतलब हम लोग जा रहे थे हॉस्पिटल, जाने टाइम की क्लिप है ये। हम लोग हॉस्पिटल जा रहे थे,
तो ये देखिए हम लोग आ भी गए हैं हॉस्पिटल, और ये हॉस्पिटल है जहाँ पे मैं आई हुई हूँ। डॉक्टर हैं मीनाक्षी पटेल करके, मतलब लेडीज स्पेशलिस्ट हैं। तो यहाँ पे मैं 2-3 बार और दिखा चुकी हूँ, मतलब काफ़ी अच्छी डॉक्टर हैं। मुझे तो काफ़ी मतलब फ़ायदा लगा है। अगर किसी को प्रॉब्लम है भोपाल में तो यहाँ पर आ सकता है, मतलब लेडीज स्पेशलिस्ट हैं। और उन मतलब उनके एक हस्बैंड भी हैं, वो भी यहाँ पे हैं, वो अस्थि विशेषज्ञ हैं, तो मतलब वो भी करते हैं ट्रीटमेंट। पास ही में उनका भी मतलब साथ में उनका भी कैबिन है थोड़े दूर करके। हम लोगों को मतलब अपॉइंटमेंट में थोड़ा टाइम था। ये देखिए ये उनका कैबिन है मीनाक्षी मैडम का, और यहाँ पे ये सामने जो मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ ना, ये उनके हस्बैंड बैठते हैं यहाँ पे। और ये देखिए अनवी की मस्ती नॉन स्टॉप चल रही थी, मतलब उसको ना मतलब पापा को पकड़ लिया था और गोदी में लेट रही थी, कभी उठ रही थी कभी बैठ रही थी, पता नहीं क्या क्या ही कर रही थी वहाँ पे जाके। उसको बहुत मज़ा आ रहा था, और ये सोफे पे मतलब पकड़ के खड़ी भी हो रही थी। तो यही था उसका, और वहाँ पे ना उसको मतलब सभी खिला रहे थे, पूछ रहे थे लड़की है कि लड़का है, मतलब बोल रहे थे लड़का जैसा लगता है, मैंने कहा लड़की है, तो बोल रहे थे आजकल समझ में ही नहीं आता है लड़का है कि लड़की। और यहाँ पे ना मैं ये मतलब जो मतलब मेरी जो फाइल वगैरह जो थी ना रिपोर्ट वगैरह वो मैं उसको दे रही थी, तो उसको ले मतलब उसको छीन रही थी। और हमारा ट्रीटमेंट हो गया, हम घर जा रहे हैं। तो यहीं तक की थी मेरी वीडियो। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे ऐसे डेली वीडियो मिलती रहे, उसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए फ्रेंड यहाँ पे ना मतलब हम लोग जा रहे थे, तो ये मतलब मुझे ये भोपाल शहर की मतलब सड़कें काफ़ी क्लीन रहती हैं। पूरी भोपाल सिटी है जैसे भी आपको पता है, मतलब काफ़ी क्लीन सिटी में नाम लिया जाता है। और साइड साइड में जो पेंटिंग बनी हुई है ना, ये भी मुझे बहुत काफ़ी अच्छी लगती हैं। जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन है भोपाल सिटी, और मतलब यहाँ पर बिल्कुल भी कचरा वगैरह नहीं रहता है, और ग्रीनरी भी काफ़ी मतलब काफ़ी स्पेस है यहाँ पे। तो मतलब ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आपको पता है कि मतलब झीलों की सिटी है भोपाल सिटी। और ये देखिए यहाँ पे कितना ग्रीन ग्रीन लग रहा है। और ये देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, यहाँ थोड़ी पहाड़ी टाइप की है ना, वहाँ से कैसा दिख रहा है भोपाल सिटी ऊपर से।